दोस्तों आज हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर दो स्टॉक्स 8:56 में प्रोवाइड करा दिए थे, इसका हम रिजल्ट देखते हैं। आज सबसे पहले पहला स्टॉक था दोस्तों हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड को बाई हमने बोला था 185 रुपए के एबव। हम देखते हैं चार्ट के ऊपर 185 रुपए के एबव, तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा 185 रुपए का प्राइस है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 185 रुपए का प्राइस है। इसके ऊपर दोस्तों जो हमें मूवमेंट्स देखने को मिले हैं वह 13% का अप मूव हमें इस स्टॉक्स में देखने को मिला है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वह हुआ यह कि यह ओपन हो गया 200 के लेवल के आसपास ही। इसके बाद 209.90 रुपए का यह हाई लगा के आया, करीब करीब 5% का ऊपर, और इस ओपन होने के बाद हाई लगा के क्लोजिंग हमें नीचे देखने को मिला। तो आप कह सकते हो हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से ओपन होना चाहिए था उस तरीके का ओपन हमें इस स्टॉक्स के ऊपर देखने को नहीं मिला। और हम देखते हैं हमारे पास दूसरा जो स्टॉक्स था दोस्तों वह है डायनामिक प्रोडक्ट लिमिटेड। इसको हमने 570 रुपए के वह बोला था बाई के लिए। डायनामिक प्रोडक्ट को हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो पैटर्न्स प्रॉपर अच्छे थे, लेकिन ब्रेकआउट भी हुआ था ट्रेंड लाइन का। पिछला रिकॉर्ड आप देखिए इसी तरीके का ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला था, लेकिन इस बार इसने इसी आसपास से रिजेक्ट किया और यह हमारे लेवल के आसपास ही नहीं आया, इस कारण से हमने इसको अवॉइड किया हुआ आज। तो ये हमारे थे दोस्तों दो स्टॉक्स जिनको मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया था मार्केट ओपन होने से पहले ही। तो अगर आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास लाइव मार्केट में कुछ आए थे बैंक निफ्टी की ओर से, तो उसमें भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स जो हैं वे बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। हमने एक का स्क्रीनशॉट यहाँ ऐड किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप 33,000 का प्रॉफिट इसने आज बुक किया हुआ है। ये हमारे प्रीमियम मेंबर के स्क्रीनशॉट्स हैं दोस्तों। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ मैंने अब से कोशिश किया हुआ है कि चार्ट के साथ प्रॉपर प्राइस प्रोवाइड करा पाऊं, जिससे आप थोड़ा कुछ लर्न कर पाओ और चार्ट को देख पाओ, समझ पाओ कि क्या बनते हैं, किस तरीके के पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, किस तरीके से फेल भी होते हैं पैटर्न्स। प्रॉपर दोस्तों मार्केट में फेल होना एक आम बात है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ही रहती है। हमारा प्रोबेबिलिटी अगर 60-70% आ जाता है तब फिर हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, और 30-40% जो लॉस का दिन रहेगा, जो लॉस का टाइम है वह तो होगा ही, उसको हम कम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हमारा एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और ये जो लॉस का एरिया है 30% या 40% का वह कम होता जाएगा, तो हम 80% बार प्रॉफिट रहेंगे 100 में एंड 20 बार लॉस ऐसे हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं मार्केट के अंदर से। तो ये तो हो गया दोस्तों पिछले दिनों की बातें और पिछले जो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए थे कॉल्स उनकी बातें। अब हम चलेंगे हमारे टॉपिक्स के ऊपर और हम देखते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। इसमें मैंने कल जो लेवल प्रोवाइड कराए थे उसको भी इसने आज ऑलरेडी डन करते हुए हमें देखने को मिला है। ऑल टारगेट हमारा डन हुआ आज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। करंट में हमें देखिए प्राइस देखने को मिला अभी 6,609.95 रुपए का। दोस्तों आज ओपन हुआ था 6,700 के रेट में, हाई हमें देखने को मिला 6,701.35 रुपए का, लो देखने को मिल रहा हमें 6,591 रुपए का। मार्केट कैप देखिए दोस्तों घट गया 2 था, अब 1.99 लाख करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। पीई भी घट चुका है दोस्तों, देखिए 38.98 देखने को मिल रहा है अभी। पिछले दिन की क्लोजिंग की बात करें तो 6,711.45 रुपए में था। 52 सप्ताह का हाई हमें देखने को मिला इस स्टॉक्स के ऊपर 8,329 का, और 52 सप्ताह का लो देखने को मिला है 6,270.15 रुपए का। तो ये दोस्तों आज का हो गया नेट टोटल कारोबार मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। अब हम चलेंगे चार्ट्स में और वहां कुछ टेक्निकल लगा के देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या मूवमेंट्स आ सकते हैं और किस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। फाइनली मैं आ चुका हूं चार्ट्स के ऊपर और हम देख पा रहे हैं दोस्तों काफी दिनों से हम जिस तरीके से एनालाइज कर रहे थे हमारे एनालाइज के अनुरूप ही चल रहा है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक। कल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फंस सकते हैं, एक बार पहले से ही बता दे रहा हूँ, इंट्राडे में इस तरीके से ग्रीन बन सकता है कैंडल या छोटा नीचे मारेगा एक स्पाइक किस तरीके से और ऊपर क्लोजिंग मिले, इस तरीके का कैंडल हो सकता है, एक अनुमान है। फिर भी हम कल के ट्रेड में
स्मॉल क्वांटिटी लेके रखेंगे ज्यादा अच्छा होगा। आज का तो श्योर पूरा प्रॉफिट कैप्चर कर, क्योंकि यहाँ पे हमने जिस लेवल को प्रोवाइड कराया हुआ था पिछले दिन 6700 के नीचे हमने बोला था सेल करना है, उसी आसपास ही ओपन हुआ, उसी प्राइस में एग्जैक्ट ओपन हुआ, हाई लगाया 6701 रुपए का, इस प्राइस में हमने इंटर ले लिया क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस पता है हमें 6750 का था, 50 पॉइंट ऊपर का, और 100 पॉइंट हमको आराम से कैप्चर होते हुए देखने को मिला है आज इस स्टॉक्स के ऊपर। तो ये नेट पिछले दिन के कारोबार थे और जो लेवल्स मैंने प्रोवाइड कराया था उसको ऑलरेडी इसने डन किया हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों इंट्राडे में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए क्या कर सकते हैं। मेरा जो व्यू रहने वाला है अभी तो प्रॉपर सेल का है, आज के लो के नीचे आता है तो हम फिर से सेल करेंगे इसको, और हमारा टारगेट जैसा रहता है 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो को हम मेंशन करते हैं और उसी तरीके से प्रॉफिट और लॉस को भी मैनेज करते हैं। तो हमारा तो दोस्तों हमारे लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए वह अब रहने वाले हैं, हम आज के लो के नीचे निकलता है इसका प्राइस तब हम सेल करके जाएंगे, मतलब 6590 रुपए को यह क्रॉस करेगा तब हमारा सेल लग जाएगा। हम इस दौरान स्टॉप लॉस मेंशन रखेंगे दोस्तों 50 पॉइंट ऊपर का, 6640 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और प्रॉपर हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों वह पहला टारगेट रहेगा 6540 का, और दूसरा टारगेट रहेगा वह होगा 6490 रुपए का। थोड़ा सा रिस्क है दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में इंट्राडे के लिए, रीजन है क्योंकि यहाँ पे एक कंटिन्यू ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला है और यहाँ पे एक बाउंस बैक सा सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बड़ा फॉल रहेगा और 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट इस स्टॉक्स के ऊपर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में देखने को मिल सकता, मतलब 2% अराउंड गिरावट इस स्टॉक के ऊपर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में देखने को मिल सकता है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कैप्चर कर पाए। तो ये होगा दोस्तों हमारे लिए इंट्राडे के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए जो लेवल निकल के आते हैं हुआ। अब हम देखते हैं इंटेंगे स्विंग ट्रेडिंग या पुट लेके जो रखे होंगे इस कैंडल में इस सपोर्ट जोन के नीचे जब क्लोजिंग हमें देखने को मिला तब, तो वे अभी प्रॉपर बने रहेंगे क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट जोन है नीचे, मैंने इसीलिए ड्रॉ कर रखा है। अगर आपने अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ नहीं किया है तो बिल्कुल इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी होगा। 450 से 350 रुपए का ये जो लेवल है 100 पॉइंट का, यह एक सपोर्ट जोन बन रहा है और इसी आसपास आने दीजिए। इसके बाद जब भी अब आपको लगे कि अब मुझे पुट बुक कर लेना चाहिए तो आप पुट को बुक कर सकते हैं। आज मंथली एक्सपायरी था दोस्तों, तो जिसने भी ऊपर टॉप में पुट लेके रखा था उसने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा आज, और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ट्रेडिंग मंथ वाला जो आपने ले रखा होगा उसको अभी होल्ड करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इस सपोर्ट के आसपास आने दीजिए, वहीं पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू रहने वाला है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिए। इसमें आपको किसी भी प्रकार का बाय या सेल करने का कोई सलाह हमारे द्वारा नहीं दी जाती है। अगर आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। हमारा जो भी कंटेंट है वह ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए होता है, इसका कोई भी मकसद नहीं है कि आप इसको देखकर या सुनकर मार्केट में इन्वेस्ट करें या इंट्राडे करें। जो भी करेंगे दोस्तों वह आप अपने रिस्क के अनुसार करेंगे, तरीके से आप मैनेज कीजिए अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को, मनी मैनेजमेंट को, जिससे आपको तकलीफ ना हो। एक छोटा अमाउंट लगाइए, छोटा अमाउंट कमाने का सोचिए, बहुत बड़ा एक ही दिन में कोई करोड़पति नहीं बन सकता दोस्तों मार्केट के अंदर से। धीरे धीरे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा स्किल, आपका डेवलप होगा। स्किल डेवलप जब हो जाएगा तब आप 70% से 90% तक भी आपका जो एक्यूरेसी होगा वह एक्यूरेट होगा। आप जो भी सोचेंगे या जो भी चार्ट पैटर्न में खोज के निकालेंगे, जो भी पैटर्न रहेगा वह इतना परसेंट आपका होगा, आपको पहले ही मालूम चल जाएगा कि यह पैटर्न फेल होने वाला है। काफी बार हमें देखने को मिलता है कि ब्रेकआउट किया हुआ है लेकिन देखने को मिलता है कि फेल हो गया ब्रेकआउट, तो इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को आप गौर करेंगे, गौर करने के बाद ही मार्केट से पैसा बन पाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा जो भी प्रयास है अभी तक का वह आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका कोई भी सुझाव होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।